तो गाइस ये था हमारा आज का विचार। भी मैडम ने बहुत अच्छा विचार बताया, थॉट ऑफ डे। और वही ज़्यादा समय होने के कारण हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। दिन में भी हमने कई सारी वीडियो बनाई थी जो आपको दिखाई है, हमने क्या क्या सफाई करी, क्या क्या काम किया, वही सारा दिन बहुत बिजी रहे हैं। हम तो मेरी तो कमर दुखना आ रही है भाई, आज मेरा नहीं क्यों दुखना आ रही है भाई, काम तो इतना कराया भी नहीं वैसे मैंने। हम तो फिर भी जाएंगे पर ये एडिटिंग में लगे रहेंगे हमारे। तो ये लगूंगा भाई मैं, 1 घंटा और लगेगा मेरे को, 10:40 हो चुके हैं भाई, मैक्सिमम 1 घंटा लग ही जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने में जैसा भी मेरे को आता है थोड़ा बहुत करके, और मैं आपके सामने वीडियो को पेश करता हूँ। तो भाई आप बताइए हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक सब्सक्राइब करें गाइस। भाई करते हैं मैडम कहती है भाई मेहनत कर रहा। चलो मैडम ने बता दिया भाई, मैडम ने कह दिया भाई मैं मेहनत करूँ ना, तो अपना अपना नाम भी आ रहा मैं कह रहा तू के करे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल लाइफ डेली व्लॉग में। और देखो भाई सुबह सुबह का आज भाई संडे वाला दिन है, और भाई देखो बच्चे भाई आज 9 बजे उठे हैं। मैं क्या ये भाई 15-20 मिनट पहले उठ जाती है तो भगत का नाम खाना बना के खाए भाई। ये भाई हम 9 बजे मैं 8:30 उठा हूँ। चलो भाई 8 बजे उठ गई, इसमें क्या बात होगी। और 4 घंटे बना रखे थे भाई लाट। देखो भाई तुझे कैसा लगा बेटा, कैसा ये मीठा है और ये तरबूज, ये तरबूज टेस्टी नहीं है। अच्छा ये मीठा है लेकिन टेस्टी नहीं है। ये भाई जो 5 किलो लाए थे ये वाले हैं। अच्छा ये तरबूज, ये वाला तरबूज अच्छा है। देखिए गाइस मैंने बिल्कुल टेस्ट करके देखा है, खरबूजा भी बहुत अच्छा है। तो ये बच्चे हैं इनको पता नहीं, देसी चीज का इनको पता नहीं क्या, बढ़िया था वही भी अच्छे थे, वे बहुत अच्छे थे। अरे भाई ये भी अच्छे थे लेकिन ये भी अच्छा, ये हमारा देसी जो हमारे हरियाणा में होता ना ये वो हाइब्रिड वाले हैं जो वो दूसरे वाले हैं। और ये हमारा जो देसी वाला होता है ना वो देखो देसी वाला ऐसा कलर का होता पीछे से लाल से जो होते हैं ना, ये हमारे इधर देसी होते हैं और अपने हरियाणा में लगते हैं। और वो अपने वो हाइब्रिड होते हैं लगा, तो वो आजकल उनको भी कहीं भी लो लेकिन वो हाइब्रिड होते हैं, उसको हम विदेशी बोल सकते हैं, वही बाहर का बीज है। यहाँ नहीं होता था वो, बाहर का है वो, बाहर का बढ़िया लग गया भाई ना भाई, वही बात अपना देश बढ़िया लगता है भाई आपको ना। मैं बताता हूँ अपने देश की बात और भाई विदेश की बात, मैं बताता हूँ भाई देश के नागरिक को कैसा होना चाहिए भाई। इनको तो पता नहीं ना, तो अपना बस अपना खान से मतलब है और कहीं मतलब नहीं। तो भाई देखो बाहर का माल खाओगे तो भाई बाहर वाले विकसित होंगे, अपने देश का माल खाओगे तो अपना देश विकसित होगा। तो ये बात इन्होंने समझनी चाहिए भाई, अपने देश की चीज़ चाहे कड़वी हो चाहे अच्छी हो बूंदी हो तो वो खानी चाहिए, ना कि बाहर की। वो तो भाई आप जिद करे थे मंडी में ले लिया। तो भाई एक बात बताता हूँ मैं कि भाई जापान में ना संतरा बहुत खट्टा होता है, ठीक है, जापान का संतरा बहुत खट्टा होता है। तो भाई एक बार वैसे भाई अमेरिका वालों ने, और अमेरिका में होता भाई संतरा मीठा, तो अमेरिका वालों ने वहाँ पर संतरा भेज दिया, लेकिन भाई उन्होंने ना उनका संतरा खाया नहीं, मीठा संतरा खाया नहीं, बोले भाई अपना जो कड़वा संतरा ना वो खा लेंगे, क्योंकि बाहर का संतरा खाएंगे तो भाई अमेरिका का फायदा होगा भाई, अमेरिका का फायदा होगा तो भाई वे विकसित होंगे, और अपना संतरा नहीं खाएंगे तो भाई वे डाउन हो जाएंगे। तो भाई ये सोच से भी हमें होनी चाहिए अपने देश के प्रति, भाई अपने देश की चीज़ खानी चाहिए, मतलब फर्स्ट अपना देश बाद में दूसरा। तो भाई ऐसा करना चाहिए नू नहीं कि भाई हमारा चीज़ खट्टी है अच्छी नहीं है तो हम नहीं खाते। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है काम पर, ये देखिए मैडम हफ्ते में एक बार करती है सफाई, तो हफ्ते में एक बार होगी, मैं रोज करता हूं भाई, रसोई की सफाई डेली होती है। रसोई की सफाई का आधा दूध निकल गया था, आधा दूध निकल गया था, आप ना बोले किसी चीज के बाद है दूसरे दिन के बाद। और बच्चे यहाँ पर बहुत ही बिजी हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी हैं बच्चे यहाँ पर टीवी देखने में, टीवी देखने में बहुत ही ज्यादा बिजी है बच्चे। देखो भाई ये देखिए भाई बच्चे बहुत ही ज्यादा बिजी हैं टीवी देखने में, फोन में बिजी हैं, फोन में क्या देख रहे हैं, ये यूट्यूब पर शॉर्ट देख रहे हैं भाई, भाई को कोई दवाई हो भाई ये सुनाने की बताओ, भाई कोई ऐसी दवाई हो भाई बच्चे से, बच्चे ये ना देखें तो बताओ, एक ही दवाई फोन खोस लो फोन दे मत। तो गाइस अब बच चुके हैं 2,
और ये देखिए भैया, अब नसीब हुआ खाना, अभी अपने लग रहा है ना खाना, देख लो भाई किस टाइम सुबह के लग रहे हैं, 2 बजे नसीब हुआ है खाना बच्चों को। देखो ये बच्चे खा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भैया, अब इन बच्चों को बेचारे, बहुत बेचारे बच्चे हैं, इनको अब नसीब हुआ खाना, देखो बिल्कुल भूखे हो गए थे ये, सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई से ना कुछ नहीं खाया सुबह से, देखो भैया अब 2 बजे खाना नसीब हुआ है, सुबह से बोल रहे कुछ नहीं खाया। वैसे भी सुबह से भाई तरबूज भी खा चुके हैं, खरबूजा भी खा चुके हैं, दूध भी पी चुके हैं और चीज अलग से खा चुके हैं, मैंने प्लांट बना रहे थे और जो इनके दादू चीज दे गए थे वो अलग से खा चुके हैं, रोटी बना रही थी खाई को ना भाई, उसको परोठे बनाए थे प्याज के, आपने भी परांठे बना खा रखे, आप इस तक वही भी नसीब हुई होगी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तो गाइस 6:50 हुए हैं शाम के, और भाई हम बैठे हैं यहाँ पर अपनी कुछ छत पर, जहाँ पर भाई इनकी मम्मी देखो भाई ये काट रही है तरबूज, काट रही है पीछे, भाई बच्चों ने जिद कर ली भाई तरबूज खाएंगे, भाई सारा दिन खाने पे लगे रहते हैं, फिर भी देख लो कैसे हैं, ये देख लो, इसको देख लो इधर है, क्या है शक्ति, क्या ही शक्ति, शक्ति देव शक्ति, शक्ति नहीं है तेरे पास नहीं है वही शक्ति, कहीं शक्ति मांग रहा है ये, कहाँ से शक्ति मिलेगी दे दो, माँ दे शक्ति देव, तेरा किसी ने ये क्या है बॉडी, इसकी बॉडी देख लो भाई, बॉडी दिखा रहा है आपको, अरे पीछे भाई इनकी मम्मी देख लो भाई, मम्मी बॉडी दिखा रही है, ये देखो भाई पीछे नमक डाल रही है भाई इसमें, कौन सी वाली, वाली होम मेड वाली। तो गाइस अब बज चुके हैं 10:30 और भाई देखो हम कहाँ बैठे हैं, आज नई जगह दिख रही होगी आपने, तो भाई हम यहाँ ऊपर कमरा है, यहाँ पे हमने सफाई कर ली है, हम यहाँ बैठे हैं और देखो अन्नी इधर सो रहा है, तो भाई यहाँ पे बैठे हैं, दोनों तरफ दरवाजे हैं तो क्रॉसिंग है, हवा की अच्छी हवा लग रही है यहाँ पर, भाई नीचे गर्मी ज़्यादा हो रही है आजकल, तो भाई आज हमने प्लान बनाया दिन में यहाँ कमरे की भी सफाई कर दी, और भैया इस कमरे का सामान सारा हम एक साइड में कमरा है छोटे वाला उधर रख दिया हमने, और भाई देखते हैं एक दो दिन यहाँ पर कैसा लगता है, तो इस हिसाब से दिक्कत है, यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, देखते भाई अगर यहाँ ठीक लगा तो भाई इन्वर्टर का कनेक्शन भी करवा लेंगे, और भाई सोच रहे गर्मी गर्मी ऊपर निकाल लें भाई, यहाँ पर तो भाई नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर थोड़ा बहुत काम चलता है क्योंकि बाहर की हवा लगती है और वैसे भी यहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है, एक दरवाजे पीछे है, दिख रहा है एक दरवाजा पीछे है, एक दरवाजे सामने लग रहा है ये रहा। तो गाइस ज़्यादा समय ख़राब ना करते हो क्योंकि भाई 10:36 हो चुके हैं, सुबह मैडम को भी स्कूल में जाना है, मेरे को भी ऑफिस में जाना है, बच्चों को स्कूल में जाना है, तो भाई हम सीधे तो भाई सीधे हमें आज के विचार पर बोलते हैं भाई, थॉट ऑफ द डे, भाई आज का मैडम ने क्या विचार सोचा है, भाई मैडम बताएगी आपके सामने, भाई आज का विचार है गाइस जिंदगी के ऊपर ही है, मैं तो मोस्टली यही मेरा यही रहता है, बस हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते ही रह जाएंगे कि इसे पता नहीं कौन सा ऐसा सुख मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि भी दुख हो या सुख हो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमें ये खुशी मिली है, दुख है हमारे घर में आज इतना हो गया, हम सिर्फ हमारी स्माइल ही दूसरे बंदे को ये सोचने में मजबूर कर देगी भी तो 24 घंटे खुशी रहता है, पता नहीं ऐसे क्या मिल गया, वो सोचते ही रह जाएंगे दुनिया वाले, है ना। तो बिल्कुल ठीक है अभी मैडम ने स्माइल सारे दुखों को भुला देती है, अगर किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेके चले हम, क्योंकि दुख और सुख तो इंसान आएंगे आएंगे, हमारे रोने से हमारे कुछ करने से तो कम नहीं होगी,
लेकिन हम अगर दूसरों के सामने आसेंगे तो दूसरों को ये सोचते रहेगा भी इनके घर में कभी दुख आता ही नहीं, किसी को बताना नहीं चाहिए हमारे अपने आपस के बारे में ना। सही होता है भाई मैडम ने बिल्कुल भाई। और आप बताओ क्या सोचते हो? मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई देख दुनिया वाले तो भाई किसी को इंसान को दुखी देख के भाई सुखी सुख रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भाई ये बंदा सुखी कैसे है, भाई ये दुखी क्यों नहीं है, है भाई इसको इसका क्यों नहीं नाश हो रहा है। ये नहीं सोचे सारे दुनिया का तो भाई सिस्टम ही है, उन्होंने सोचा बस हम सुखी रहो है हमारा बस सब कुछ रहो है, बाकी अड़ोसी पड़ोसी बात जाओ बाढ़ में, तो भाई उनसे बचने के लिए बिल्कुल ये लाइन उन पर बिल्कुल सीधी लगती है कि भाई अब हमारे हम चाहे अंदर से दुखी हों लेकिन अपने फेस पर अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए, तो भाई वो अगला बंदा इसी टेंशन में सोचा जाएगा भाई मेरा नक्की मिल गया तो भाई हंसे हंसे जा है, तो भाई उनको अपना दुख न दिखाने के बजाय अपने फेस पर स्माइल रखिए और भाई उनका उनकी बोलती इसी में बंद होगी, दूसरे बंदों की बोलती इसी में बंद होगी, जब आपका फेस स्माइल से भरा होगा भाई फेस पर हर टाइम खुशी ही खुशी होगी। तो गाइज ये था हमारा आज का विचार, भी मैडम ने बहुत अच्छा विचार बताया थॉट ऑफ डे, और भाई ज़्यादा समय होने के कारण हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, दिन में भी हमने कई सारी वीडियो बनाई थी जो आपको दिखाई है, हमने क्या क्या सफाई करी क्या क्या काम किया, वही सारा दिन बहुत बिजी रहे हैं हम तो, मेरी तो कमर दुख ला रही है भाई आज, मेरा निकल दुख ला रही है भाई, काम तो इतना कराया भी नहीं वैसे मैंने, फिर तो ये लगूंगा भाई मैं, एक घंटा और लगेगा मेरे को, 10:43 हो चुके हैं भाई, मैक्सिमम एक घंटा लग ही जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने में जैसा भी मेरे को आता है थोड़ा बहुत करके, और मैं आपके सामने वीडियो को पेश करता हूँ, तो भाई आप बताइए हमारी वीडियो कैसी लगती है, लाइक सब्सक्राइब करें गाइस, मैडम कहती है भाई मेहनत कर रहा, चलो मैडम ने बता दिया भाई, मैडम ने कह दिया भाई मैं मेहनत करूँ ना, तो अपना अपना नाम लिया मैं तू क्या करा तू क्या करा, तो भाई कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे, आज का ब्लॉग ये था, लाइक करे सब्सक्राइब करे और हमारे चैनल को सो गए गाइस, हम भी सो जाते हैं, बाय।